हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको गोंडल रेलवे स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, जैसे कि स्टेशन पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मेजर ट्रेनें जो यहाँ पे रुकती हैं ये क्यों फेमस है और यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो गोंडल रेलवे स्टेशन है ये गुजरात में पड़ता है। इसका जो स्टेशन कोड है वो है GDL। ये वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है और इस स्टेशन का जो डिवीज़न है वो है भावनगर। स्टेशन पे करेंटली अभी 4 प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे टोटल 26 ट्रेनें हॉल्ट होती हैं। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती। स्टेशन पे आपको हर एक टाइप की बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि पार्किंग, टिकट काउंटर, इंक्वायरी काउंटर। स्टेशन के अंदर आपको बुक स्टॉल, टी स्टॉल, स्नैक स्टॉल जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वेटिंग रूम फॉर स्लीपर, AC, ATVM की मशीनें जैसी फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। और स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी, ऑटो और थोड़ी दूर पे होटल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जो नियर बाय होटल स्टेशन के पास पड़ते हैं वो मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गोंडल रेलवे स्टेशन के बारे में। तो इससे पहले अगर आपको लगता है कि मैं और कोई स्टेशन पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएँ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मेरे मिशन, जिसमें मैं इंडिया का हर एक स्टेशन कवर करना चाहता हूँ, इसमें मोटिवेट करें। तो जो गोंडल रेलवे स्टेशन है ये एक इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है, जिसकी जो कैटेगरी है वो है NSG5। ये समुद्र से लगभग 140 मीटर की ऊंचाई पे है और ये एक रेगुलर टाइप का रेलवे स्टेशन है जिसमें डेली लगभग 1 से 2 हज़ार पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। ये राजकोट वेरावल लाइन के बीच में पड़ता है और इस स्टेशन से जो नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट पड़ता है वो है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर्स की दूरी पे है। जो मेजर ट्रेनें स्टेशन पे रुकती और गुजरती हैं वो बेसिकली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें हैं, जिनकी डिटेल जैसे कि इनका अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, ये ट्रेनें कहाँ से चलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, इन सब की डिटेल्स आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो गोंडल रेलवे स्टेशन है, जो गोंडल है, ये बेसिकली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है ग्राउंडनट ऑयल का गुजरात में, और यहाँ पे लगभग 300 से 500 ऑयल मिल्स हैं। और साथ ही साथ ये अपने क्राफ्ट, हेरिटेज और बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पड़ती हैं, जैसे कि नौलखा पैलेस, जो कि अपने बालकनी, झरोकास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और बाकी टूरिस्ट प्लेसेस मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।